हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको इग्निस का एक डिटेल रिव्यू देने जा रहा हूं। और ये जो कार है ये एक ऑटोमेटिक कार है और इसकी की मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो इस प्रकार की इसमें की है, यहां पे लॉक और अनलॉक के बटन दिए गए हैं। और यहाँ पर फ्रंट की लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी फ्रंट की लुक है। और यहाँ पर आप हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिलता है और नीचे आपको फॉग लैंप भी इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आप फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है इसकी लुक। और साइड की लुक की बात करें तो साइड की लुक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ORVM की बात करें तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर की ORVM मिलती है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है ORVM में जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए इसके साइड की लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर में आपको रूफ रेल भी मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 175/65 R15 के टायर मिलती है। और यहाँ पे आपको एलॉय व्हील भी इस मॉडल में मिल जाती है। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है जो कि आप देख पा रहे हैं। और इग्निस की बात सबसे अच्छी ये है कि इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो आपको सभी मॉडल में मिल जाते हैं। यानी कि आप अगर नीचे की मॉडल लेते तो वहाँ पर भी आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और ये है इसका इंजन जो कि 1.2 लीटर का है जो कि 4 सिलेंडर है। और ये इंजन ही आपको मिलती है इग्निस में, और बलेनो में भी यही इंजन आपको मिलती है। और बाइक की लुक की बात करें तो इस प्रकार से इसका लुक है यहाँ पे। और यहाँ पे आप रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफोगर और यहाँ पे आपको रियर वाइपर और वाशर भी मिल जाता है। और इसके टेल लैंप की बात करें तो इस प्रकार की इसके टेल लैंप है। यहाँ पे आपको कोई भी पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है इस मॉडल पे। और यहाँ पे इग्निस की बैजिंग की हुई है। और ये है मारुति का लोगो जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको नेक्सा लिखा हुआ है। और यहाँ पे इस कार में आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर जो कि इस मॉडल में आपको 4 दिए जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर। अब बूट स्पेस की बात करें यहाँ पे तो बूट देखिए इतनी बड़ी है, आपको 290 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। और यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी दिया जाता है। यहाँ पे आप नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी नीचे मिल जाती है। यहाँ पे टूल किट आप देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलते हैं जो कि स्टील व्हील में आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इसका इंटीरियर किस प्रकार से है और अंदर में किस प्रकार की फिनिश जो है वो मिलती है और अंदर में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं हमें। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए डोर पर, तो डोर पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप चारों पावर विंडो के स्विच दिख पा रहे होंगे। और यहाँ पे लॉक और अनलॉक आप कर सकते हैं अंदर से। ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के कंट्रोल हैं। यहाँ पे आपको डोर ओपनर पर क्रोम फिनिश मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। और ये जो है इससे आप डोर को आसानी से लॉक कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी ढंग से दी गई है। यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा फिनिश दिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो 1 लीटर की बोतल होल्डर आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप कुछ मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग पे भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब अंदर आ चुके हैं हम। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दी गई है। यहाँ पर आप हेडलैम्प को एडजस्ट कर सकते हैं। और एसी वेंट्स के ऊपर भी आप देखें यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। और यहाँ पे आप बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम की तो इस प्रकार की आपको म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलने वाली है जो कि थोड़ी सी ओड है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सीडी प्लेयर की म्यूजिक सिस्टम दी गई है जो कि सीडी का ज़माना आजकल अब चल गया है, अब सीडी का ज़माना रहा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको सीडी प्लेयर ही दिया जा रहा है।
हालांकि म्यूजिक सिस्टम इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर का ऑप्शन मिलता है इस मॉडल में आपको। और यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये कार जो है ये उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए गियर नॉब पे जो है यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दिया गया है और यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है एसी के कंट्रोल्स और इधर जो है ये 12 वोल्ट की आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिलता है ऑक्स और यूएसबी का पोर्ट जो कि देखिए इस प्रकार से है। ये काफ़ी अच्छी ढंग से यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे आपको 1000 लाइट की यहाँ पे आपको स्विच मिल जाती है और इधर आप देखिए तो यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स के ऊपर मिलता है क्रोम फिनिश जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। इधर भी आपको वही चीज़ मिलती है और ग्लोव बॉक्स की बात करें तो देखिए ठीक ठाक है ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आप सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आप मोबाइल आराम से रख सकते हैं, मोबाइल के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे फिनिश दिया गया है जो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। एक छोटा सा स्पेस आपको यहाँ पर भी दिया गया है हैंड ब्रेक, ये इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। और पीछे की बात करते हैं यहाँ पर भी आपको 1 लीटर की बोतल होल्डर दी गई है जो कि आजकल के लगभग सभी कारों में दी जाती है और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी गई है। सीट के कुशनिंग की बात करें तो सीट की कुशनिंग भी अच्छी लग रही है, यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट पूरा मिलता है फ्रंट की सीट पे और यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि सीट जो है वो काफ़ी पीछे की गई है लेकिन फिर भी यहाँ पे नीरूम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह मिल रहा है। और यहाँ पे IRBM की बात करें तो ये डे एंड नाइट IRBM आपको मिल जाती है और यहाँ पे आप बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आपको रूफ लाइट मिलता है देखिए इस प्रकार से आपको। और यहाँ पे आप ड्राइवर साइड आए तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलती है इस मॉडल में, इस कार में। अब चलिए इसके पीछे की सीट पे जाते हैं, रियर की सीट पे जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की जगह मिलती है। तो मैं अपने ड्राइविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सीट को एडजस्ट कर ले रहा हूँ तो मैंने कर ली है और अब चलिए पीछे की सीट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की स्पेस हमें मिलती है। तो यहाँ पे रियर की डोर की बात करते हैं यहाँ पर भी आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको छोटे से क्वाइन का स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे आप 1 लीटर के बोतल होल्डर का आपको जगह दे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे भी आपको डोर में क्रोम इंसर्ट मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश मिल जाती है डोर ओपनर में जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और रियर की सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और उधर भी देखिए इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस सीट की बात करें तो ये सीट जो है ये फोल्ड भी हो जाती है 60-40 के रेशियो में जो कि आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। और इसके थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट थोड़ी कम लग रही है लेकिन फिर भी मैं बैठ के देखना चाहता हूं इसमें। और बैठने के बाद देखिए नीरूम जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर इस कार के अंदर, तो नीरूम से आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली। अगर आप 6 फीट के भी आदमी हैं तो भी आपको नीरूम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है इस कार के अंदर में। और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं 60-40 के रेशियो में और अपना बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स रियर की सीट से आप देखें तो फ्रंट का लुक इस प्रकार से दिखता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप एक ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हैं और वो भी इग्निस तो इस प्रकार से इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की लुक है जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। इसकी प्लास्टिक मटेरियल जो है वो भी डिसेंट है और अंदर का फिनिश जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, सीट की कुशनिंग भी अच्छी है। और यहाँ पे रियर की सीट जो है वहाँ पे अगर थोड़ी सी आप लंबे आदमी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम दी गई है, तो अगर आप ज़्यादा लंबे आदमी हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट कम मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद दोस्तों।